वेलकम बैक चिल्ड्रन। तो आज हम हिंदी व्याकरण यानी कि ग्रामर में से लिंग जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो भाई बहन ऐसे दो शब्द हैं। तो भाई जो आपके घर में भाई बहन तो होते ही हैं, तो भाई जो है वह अलग जेंडर का होता है और बहन जो है वह अलग जेंडर की होती है, ऐसे कि इनका लिंग अलग अलग होता है। तो इनके स्त्री या पुरुष होने का बोध हमें इनके नाम पे से होता है। जैसे कि हम उन्हें हम वाक्य जब वाक्य रचना करते हैं तो भी वहां पर लिंग को ध्यान में लिया जाता है। तो लिंग के हिसाब से जेंडर के हिसाब से हमें वाक्य रचना भी करनी चाहिए। जैसे कि भाई से हम बातें करते हैं या उनसे कुछ पूछते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, और बहन से जब बातें करते हैं तो बोलते हैं बहन तुम कहाँ जा रही हो। अगर वो लड़का है तो जा रहा हूँ और लड़की है तो जा रही हूँ। तो ये जो वाक्य रचना होती है वो भी लिंग के हिसाब से की जाती है। तो बच्चों पहले लिंग की परिभाषा देखिए। जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। तो जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं यानी कि पुरुष यानी कि मेल और स्त्री यानी कि फीमेल, मेल या फीमेल होने का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहा जाता है। तो जैसे कि नाना नानी, युवक युवती, इस तरह के उदाहरण यहाँ पर लिए जाते हैं। नाना नानी, यहाँ पे हमें जेंडर पता चलता है यानी कि लिंग पता चलता है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। वैसे ही लिंग के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का यानी कि मेल होने का पता चलता है, बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। यानी कि पुल्लिंग यानी कि मेल, जिसे इंग्लिश में मेल कहते हैं। और जैसे कि सेवक, सेठ, शिष्य, कटोरा, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं जो पुल्लिंग है। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से फीमेल, स्त्री जाति का यानी कि फीमेल होने का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, वैसे शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि सेविका, सेठानी, शिष्या, कटोरी, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लिंग जो है उसे जेंडर कहा जाता है और लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग से हमें क्या पता चलता है कि पुरुष या संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री होने का पता हमें चलता है। तो जैसे कि मनुष्य जाति का पता चलता है वैसे कि वस्तुओं में भी स्त्री या पुरुष यानी कि लिंग हुआ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कटोरा, यह क्या है? एक वस्तु है और वो क्या है? पुल्लिंग में आता है। और कटोरी जो है वह भी वस्तु है, वो स्त्रीलिंग में आती है। तो इंसानों के साथ साथ वस्तुएं भी इसमें आती है। तो देखिए लिंग के दो प्रकार हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो कुल मिलाकर पुल्लिंग यानी कि जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है यानी कि मेल होने का बोध होता है जैसे कि सेवक, और दूसरा है स्त्रीलिंग, इससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है यानी कि फीमेल होने का बोध होता है जैसे कि सेविका, सेवक, सेविका, सेठ, सेठानी, शिष्य, शिष्या, कटोरा, कटोरी, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं। धन्यवाद।